हेलो फ्रेंड, स्वागत एक बार फिर आपका हमारे चैनल मैसा स्टार्टस में। और व्यूअर, आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर हरीश शाह की रिलीज तमाम मूवीज की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आप व्यूअर्स के साथ शेयर करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, एज अ प्रोड्यूसर हरीश शाह की पहली फिल्म थी दिल और मोहब्बत, जो कि 1968 को रिलीज हुई थी। इसके अलावा से डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन्होंने कितनी मूवीज डायरेक्ट और प्रोड्यूस की है और उनकी कितनी मूवीज हिट, कितनी फ्लॉप और कितनी ब्लॉकबस्टर रही है, आज की इस वीडियो में यही डिटेल हम आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो व्यूअर्स, एज अ प्रोड्यूसर हरीश शाह की डेब्यू मूवी थी दिल और मोहब्बत। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आनंद दत्ता ने। फिल्म की लीड कास्ट में जॉय मुखर्जी, शर्मिला टैगोर, अशोक कुमार, जॉनी वॉकर शामिल थे और यह फिल्म 1968 को रिलीज हुई थी। दिल और मोहब्बत एक रोमांटिक सस्पेंस थ्रिल मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.3 स्टार दिए गए थे। बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। रविकांत नागाइज के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी मेरे जीवन साथी, इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे हरीश शाह। फिल्म की लीड कास्ट में राजेश खन्ना, तनुजा, सुजीत कुमार, नाजिर हुसैन, उपतल दत्त शामिल थे और यह फिल्म 22 सितंबर 1972 को रिलीज हुई थी। मेरे जीवन साथी एक रोमांटिक मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.8 स्टार दिए गए। बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। रविकांत नागाइज की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी काला सोना, इस फिल्म के भी प्रोड्यूसर थे हरीश शाह। फिल्म की लीड कास्ट में फेरोज खान, परवीन बॉबी, प्रेम चोपड़ा, फरीदा जलाल और डेनी डेंजोंगपा शामिल थे। यह फिल्म 19 सितंबर 1975 को रिलीज हुई थी। काला सोना एक एक्शन थ्रिल मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.3 स्टार दिए गए थे। 1 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 1 करोड़ 50 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ने 2 करोड़ 85 लाख और बॉक्स ऑफिस पर काला सोना को एक अबव एवरेज मूवी करार दिया गया। एज अ डायरेक्टर हरीश शाह की डेब्यू मूवी थी धन दौलत। फिल्म की लीड कास्ट में ऋषि कपूर, नीतू सिंह शामिल थे। यह फिल्म 11 जनवरी 1980 को रिलीज हुई थी। धन दौलत एक ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.4 स्टार दिए गए थे और बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज मूवी साबित हुई। श्याम रामसे और तुलसी रामसे की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी होटल, इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे हरीश शाह। फिल्म की लीड कास्ट में नवीन निश्चल, राकेश रोशन, बिंदिया गोस्वामी और नीलम मेहरा शामिल थे। यह फिल्म 8 अगस्त 1981 को रिलीज हुई थी। होटल एक हॉरर मिस्ट्री मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 5.5 स्टार दिए गए थे। 21 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 35 लाख के कलेक्शन किए और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 45 लाख और बॉक्स ऑफिस पर होटल एक एवरेज मूवी साबित हुई। पी मधावन की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी राम तेरे कितने नाम, इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे हरीश शाह। फिल्म की लीड कास्ट में संजीव कुमार, रेखा, प्रेम चोपड़ा, शत्रुघ्न सिन्हा शामिल थे और यह फिल्म 15 फरवरी 1985 को रिलीज हुई थी। राम तेरे कितने नाम एक फैमिली ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6 स्टार दिए गए थे। बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। हरीश शाह की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी जलजला, फिल्म की लीड कास्ट में धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, रति अग्निहोत्री, किमी काटकर, राजीव कपूर, डेनी डेंजोंगपा, अनीता राज, गुलशन ग्रोवर और पुनीत इसर शामिल थे। यह फिल्म 13 मई 1988 को रिलीज हुई थी। जलजला एक एक्शन एडवेंचर मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.2 स्टार दिए गए थे। 2 करोड़ 50 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 3 करोड़ 30 लाख के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 6 करोड़ 20 लाख और बॉक्स ऑफिस पर जलजला एक एवरेज मूवी साबित हुई। हरीश शाह की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी अब इंसाफ होगा, फिल्म की लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, रेखा, फारूक शेख और प्रेम चोपड़ा शामिल थे। ये फिल्म 6 जनवरी 1995 को रिलीज हुई थी। अब इंसाफ होगा एक एक्शन ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 4.9 स्टार दिए गए थे। 1 करोड़ 50 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 1 करोड़ 4 लाख के कलेक्शन की और बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। गुड्डू धनोवा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी जाल द ट्रैप, इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे हरीश शाह। फिल्म की लीड कास्ट में सनी देओल, तबू, रीमा सीन और अनुपम खेर शामिल थे। ये फिल्म 18 जुलाई 2003 को रिलीज हुई थी। जाल द ट्रैप एक एक्शन रोमांटिक मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 4.2 स्टार दिए गए थे। 12 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 7 करोड़ 10 लाख के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 10 करोड़ 47 लाख और बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई और यही एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर हरीश शाह के करियर की आखिरी फिल्म भी साबित हुई है। तो व्यूअर्स, हरीश शाह अपने कंप्लीट करियर में 9 मूवीज को डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर चुके हैं, जिनमें से उनकी एक मूवी अबव एवरेज, 3 मूवीज एवरेज, 4 फ्लॉप और 1 डिजास्टर रही। तो इस हिसाब से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हरीश शाह का सक्सेस रेशो बनता है 44.44%। तो यार, ये थी हरीश शाह की रिलीज तमाम मूवीज की डिटेल। तो एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर हरीश शाह की रिलीज इन तमाम मूवीज में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज हैं, कॉमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मूवीज के नाम मेंशन करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड, ऐसा हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कोशिश आप ही वर्ष को पसंद आई होगी। हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल मैसान स्टार्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम वर्ष का बहुत बहुत शुक्रिया।